वही नीट यूजी एग्जाम में भाग लेने वाले स्टूडेंट्स के एडमिशन के लिए काउंसलिंग प्रक्रिया आज यानी कि 6 जुलाई 2024 से शुरू की जानी थी, जिसे नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की ओर से स्थगित कर दिया गया। पहले सुप्रीम कोर्ट की ओर से काउंसलिंग पर रोक लगाने से इनकार कर दिया गया था, लेकिन एमसीसी ने इसे लेकर कोई भी शेड्यूल जारी नहीं किया था। इसके अलावा याचिकाकर्ताओं की ओर से प्रक्रिया को 2 दिनों के लिए रोकने का आग्रह किया था, क्योंकि शीर्ष अदालत 8 जुलाई को नीट यूजी से जुड़े मामलों की सुनवाई करेगा। मेडिकल काउंसलिंग कमेटी की ओर से जल्द ही नीट यूजी काउंसलिंग के लिए नई डेट्स की घोषणा की जाएगी। रिपोर्ट्स के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट में इससे जुड़ी लंबित याचिकाओं की सुनवाई के बाद डेट की घोषणा की जा सकती है।